नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुधीर राजपूत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में या आपके फैमिली में किसी के आधार कार्ड में ऐसा लिखकर आ रहा है, आधार कार्ड नंबर हैज बिन कैंसल अंडर सेक्शन 27 ऑफ द आधार कार्ड एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016, ये लिखकर अगर आपके आधार कार्ड में आ रहा है या आपके फैमिली में किसी के में आ रहा है कि आधार नंबर हैज बिन कैंसल्ड, तो उन्होंने सबसे पहले तो बायोमेट्रिक अपडेट कराई होगी, बायोमेट्रिक फिंगर और फोटो आईएससी अपडेट कराई होगी, उसके बाद ये दिक्कत आनी शुरू हुई होगी। और ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ? अब ये देखिए, ये जो हुआ है इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड कैंसिल कर दिया गया है परमानेंट, यानी कि आप अपने आधार कार्ड से ना ही तो खाता खोल सकते हैं, ना ही पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ना ही राशन कार्ड में ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने आधार कार्ड से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं ले सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर जो परमानेंट कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आधार कार्ड बने थे 2013 में या 12 में, तब मिस प्रिंटिंग के चक्कर में जिसके भी आधार कार्ड में ये लिखकर आ रहा है तो उसका जो बायोमेट्रिक थी वो ठीक से नहीं लग पाई थी, लेकिन इतनी लग गई थी कि आधार कार्ड उनका बन जाए। उसमें लिखकर आता है ना फिंगर क्वालिटी 60%, 70%, तो फिंगर क्वालिटी कम रही होगी, लेकिन इतनी रही कि उनका आधार कार्ड बन गया। और अब 2023 चल रहा है, अब वो कई अपडेट करवाने और लगभग 10 साल हो गई है। आधार कार्ड का रिकॉर्ड बोलता है कि आप 5 साल में अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें, और वो गए हैं 10 साल बाद, और अब उनका जो फिंगर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है पहले से, और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। उनका फिंगर चेंज हो गया है, तो अब उन्होंने चेंज कराया, तो जो आधार कार्ड का जो सेंटर है UIDAI जो ऑफिशियल है उनके, उनको लगा ये कि ये आधार कार्ड और किसी का है और कोई इसको अपडेट करवा रहा है। सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, और ये समझ लीजिए कि आपका आधार कार्ड और कोई लेकर चला गया और उसने ये बोल दिया कि इसको भाई साहब अपडेट कर दो हमारे फिंगर लगा के। आधार कार्ड वाले यही समझ रहे हैं कि आपका आधार कार्ड है और कोई अपडेट करवाने आया है, क्योंकि फिंगर बिल्कुल ही मैच नहीं हुई है, और इसी चक्कर में उन्होंने आपका आधार कार्ड परमानेंट कैंसिल कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको जाना है आधार सेंटर पर, और कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या और कुछ लेकर आपको जाना है, और उससे आपको एक नया आधार कार्ड बनवाना है फ्रेश। जी हाँ, आप उस पुराने आधार कार्ड को अभी भूल जाइए, थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। आप जाइए आधार सेंटर पर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और वो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या और कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर एक नया आधार कार्ड बनवाइए। अगर आपका आधार कार्ड रीजन डुप्लीकेट की वजह से रिजेक्ट होता है तो आप उसी आधार कार्ड को अपडेट करवाइए दोबारा से, आपका हो जाएगा। फिंगर एकदम ठीक से लगाइएगा, फिंगर क्वालिटी पर आप ध्यान दीजिएगा कि 90% से ऊपर रहें। और अगर आप जब नया बनवाने जाते हैं तो आपका बन जाता है, तो आपको एक नया आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। आपको आधार सेंटर पर जाना है और आपको नया आधार कार्ड बनवाना है। अगर आपका आधार कार्ड बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाई चांस वो रिजेक्ट होता है और रीजन में डुप्लीकेट आधार कार्ड लिख कर आता है, तो आपका वही आधार कार्ड नंबर वापस से चालू हो जाएगा जो पहले कैंसिल हो गया था। बस आपको उसे ठीक से अपडेट करवाना होगा। आप समझ रहे ना इस बात को? और अगर बन जाता है तो आप उस पुराने आधार कार्ड को भूल जाइए हमेशा के लिए, आपको एक नया आधार कार्ड नंबर मिल चुका है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई अगर डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नीचे कमेंट में उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।